हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माय सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर आप फिजिक्स का चैप्टर तो पढ़ाते हैं लेकिन आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कराते जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना आज हम 12th फिजिक्स के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स में अगर आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है काफी नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इनके 99% चांसेस हैं आने के। तो चूंकि अभी हम स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़े ऐसे न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, देखिए स्टूडेंट, हमने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, तो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं आज बताऊंगा। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ध्यान से पढ़िए न्यूमेरिकल्स को, तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप न्यूमेरिकल्स को पहले पढ़ें, उसके बाद जो उसमें वैल्यूज दी गई हैं उसको लिखें, उसके बाद आप उस फॉर्मूले का यूज करें जो इस न्यूमेरिकल के लिए बना है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5×10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ये कैसा न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, कितनी दूरी पर आपको दूरी निकालनी है। क्या क्या दिया गया है आपको, आवेश दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, आपको दूरी निकालनी है। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि देखिए ये आपका बिंदु आवेश है, इसके कारण r मीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा अभी मैं बताऊंगा, F=1/4πε₀Q/r², बस ठीक। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए। हमें आवेश दिया गया है, आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, Q इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, 5×10⁻⁸ कूलाम दिया गया कि नहीं दिया गया है, आवेश दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, दूसरी चीज हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, E इक्वल टू हमारा दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, कितनी दूरी पर आपको R की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे, जो R भैया हैं इनको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यही हमें यहां पर निकालना है। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा यहां पर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग लिख दीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने लिखा, इनको भैया को हम किससे डिनोट करते हैं, E से। तो E इक्वल टू एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कितने लोगों को याद है, जब मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है E=1/4πε₀Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, बट यहां पर हमने फॉर्मूला को लिख दिया, ठीक है, बस इसी पर हम वैल्यू को रख देंगे। लेकिन भैया हमें निकालना क्या है, ये चीज ध्यान दीजिए, साइड में हम सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट करते रहिए लेकिन पहले समझिए चीजों को, ठीक, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए हमें निकालना है आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे बताइए, इस आर स्क्वायर को हम इधर लेकर चले जाएंगे ई के जगह पर, और इस ई को हम इसके जगह पर ले आएंगे, ठीक है,
समझ में आ रहा है, जैसे हमें दूरी निकालना है आर, ठीक, तो इस आर को हम इधर लेकर चले जाएंगे, इधर भाग में है, इधर गुणे में हो जाएगा, और जो ये ई है ये इधर इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप ही लोग बताइए, वन अपान फोर पाई, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू अपान ई, क्यू अपान ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, भैया को इधर ले आएंगे, बस अदला बदली हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी पर हम वैल्यू को रख देंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक, इसमें हम कोई चेंजेस करेंगे नहीं। अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, देखिए वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसीलिए मैं कहता हूं चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, सर्च करोगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखते गलती आपकी है, जो देख लेंगे अच्छे से समझ लेंगे वो इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा टारगेट है फिजिक्स में 95% का वो भी अचीव कर पाएंगे। अब नहीं पढ़ोगे भैया तो कुछ नहीं होगा, आपके अंदर आग होनी चाहिए कि हाँ भैया हमें पढ़ना है, इस बार टॉपर बनना है, उन सबका मुंह बंद करना है जो कहते हैं तुझसे नहीं होगा, करके दिखाना है, ठीक। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताया था 9 × 10⁻⁹ होता है कि नहीं होता है, होता है भैया, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 × 10⁻⁸, ठीक है। अपान ई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट बताइए, ई 450 वोल्ट, 450 वोल्ट, ठीक हो गया। अब काटते हैं, कुछ चीजों को काट देते हैं भैया, ये जो हमारे 9 है, 9 × 1 = 9 और 9 देखिए 50 आ जाएगा यहां पर, 59 × 450, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इतना आपका आ गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यू अपान ई है, ये आर स्क्वायर है, तो 9 × 10⁻⁹ हमने इसके जगह पर रखा, 5 × 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। तो आपका बचा क्या, देखिए यहां पर एक काम और करते हैं हम लोग, 5 है ये आपका, 5 × 5 = 5, 5 × 10 = 50, ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू बचा है, देखिए ऊपर 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁸ है, तो भैया ये प्लस में माइनस में है, तो 9 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, जब 9 में से 8 गया भैया तो एक ही तो बचेगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 10 बस, ठीक, और ये नीचे आपका 10 बचा है, ये भी 10 हो जाएगा, 10 10 दोनों बराबर हैं भैया, इनको कट कर देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया 1। अब देखिए अगर इधर से आर स्क्वायर है इक्वल टू 1, अगर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो 1 पर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिया तो इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 1, ठीक। अब मैं इस साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, कुछ नहीं सॉल्व करना, अब ये आपका आंसर आ चुका है, देखिए यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक, ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए अब आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा भैया, अंडर रूट 1 है, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो आर इक्वल टू 1 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया, यही हो गया हमारा दूरी, दूरी आ चुकी है, ठीक है। देखिए ये आपकी दूरी आ गई, यही हमारा मेन आंसर होगा, आंसर, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 450 वोल्ट होगी। तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज दी गई उसको लिखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाइए, और आर स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट सॉरी 1 आया, आर इक्वल टू 1 मीटर आपका आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, सबसे पहले आप लोग इसको नोट करेंगे फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक, वीडियो को पॉज करके चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लिए स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत सिंपल से हैं, बस आप लोग साथ में बने रहिए, सारे न्यूमेरिकल सारे टॉपिक ऐसा ही नहीं, पूरे फिजिक्स को हम ऐसे पढ़ लेंगे कि एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे सर फिजिक्स थोड़ा टफ लगता है, कुछ भी टफ नहीं है भैया, अगर आपके अंदर स्ट्रांगनेस है, आपके अंदर वो जज्बा है, आग है कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होगा, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है, ठीक है, यानी कि दो पतली और धातु की प्लेट है जो एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है,
प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के जो पृष्ठ घनत्वों के परिमाण हैं वो 17.7 इंटू 10^-22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यानी कि आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया 17.7 × 10^-22 कूलाम। अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कैसे निकालोगे? सिंपल सा है, E = फॉर्मूला होता है σ/ε0। सिग्मा आपका पृष्ठ घनत्व है, ε0 की वैल्यू सबको पता है 8.85 × 10^-12। बस वही लगा दीजिए, बहुत सिंपल सा है। आप लोग ये मत देखिए कि 2-3 लाइन का न्यूमेरिकल है, भैया बहुत बड़ा लगेगा, इसके लिए तो 1 पेज 2 पेज भी कम पड़ जाएंगे। नो भैया, जो जितना बड़ा है उसका दिल उतना छोटा यहाँ पे है, मतलब उतना ही छोटा वो लगेगा। तो सबसे पहले एक ही वैल्यू हमें दी गई है, उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या दिया गया है, पृष्ठ घनत्व का मान हमें दिया गया है। देखिए पृष्ठ घनत्व को स्टूडेंट हम लोग डिनोट करते हैं, पृष्ठ घनत्व, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, वैल्यू को लिखेंगे, दिया गया है 17.7 × 10^-22 कूलाम, ठीक है, ये हमें कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्यों हुआ भैया, क्योंकि पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, σ = Q/A, क्यों का मात्रक होगा कूलाम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, बस कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका मात्रक ये लिखा, उसमें दिया भी गया है, नो टेंशन। अब भैया यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि जो हमारे होते हैं निर्वात की विद्युतशीलता जो ε0 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12 होती है, ठीक है, 10^-12, ठीक, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, ठीक। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं भैया, बहुत इजी है, ε0 का मात्रक भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था F = होता है 1/4πε0 × Q1 Q2 √R², ठीक है, ε0 को उधर ले जाएंगे, F इसके नीचे आएगा, तो क्या मात्रक होगा, ऊपर दो आवेश हैं कूलाम स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या होगा, बल है न्यूटन और ये आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, बस हो गया, कुछ है ही नहीं भैया, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E = हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है बताइए आप लोग, E = होता है σ/ε0, ये मैंने आपको प्रूफ कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, बस वैल्यू रख दीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे स्टूडेंट, साइड में मैं कर देता हूं इसको, ठीक। देखिए E = हमारा हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, जो है वो लिखेंगे हम, सिग्मा की वैल्यू है 17.7 × 10^-22 √ε0 की वैल्यू कितनी है 8.85 × 10^-12 गलतियां मत कीजिएगा भैया, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, −12 इतना है। अब बताइए 17.7 है, ये 8.85 है, जब आप इसको कट करेंगे 8 × 2 = 16 और 8.5 मिलकर ये इसको जब कट करेंगे तो आपका 2 आएगा, कितना आएगा 2, देखिए 8.85 × 2 = 70.70 होता है, आप लोग करके देख लीजिए, ठीक, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, E = क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 है, ये ऊपर 2 ही रहेगा इंटू 10^-22 है, इसको ऐसे लिखेंगे इंटू, ये 10^-12 है, ऊपर जाएगा तो 10^+12 हो जाएगा, ठीक, हो गया, बस इसी को सॉल्व कीजिए, आ गया आंसर हमारा, ठीक, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है, E = हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए 2 × कितना आया 2 × देखिए 10^-22 है, ये 12 है, अब भैया 22 में से 12 जब जाएगा तो कितना बचेगा,
22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, ठीक है। तो 10^-10 इसका मात्रक क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E = F/Q0 यानी कि न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी सबका मात्रक आपको पता है, देखिए मुझे तो पूरा चैप्टर ही पता है, ठीक, अंतर्यामी नहीं हूं, मैंने भी मेहनत की आपकी तरह, आप लोग भी मेहनत करेंगे तो ये सब आपके जुबान पर होंगे। जैसे कोई पूछेगा भैया पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला σ = Q/A, ठीक है भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, σ/ε0, बस हो गया, ठीक, सिंपल सा है। तो पढ़ाई करोगे भैया तो सब आपके जुबान पर रहेगा तुरंत, ठीक है, बाहर ही। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने कुछ किया नहीं, पृष्ठ घनत्व दिया था, ε0 की वैल्यू पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0 होता है, वैल्यू को रखा, कटिंग किया, E = 2×10^-10 न्यूटन प्रति कूलम, आंसर आ गया, बस हो गया, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, नोट कर लिए स्टूडेंट, चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं भैया। अब थर्ड न्यूमेरिकल जो है ये भी हमारे गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग था, ठीक है, यानी कि एक समान रेखीय जो हमारा चालक था उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, मैंने बताया था ना एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, वही वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये फॉर्मूला आया था, देखिए कितने लोगों को पता है, E = 1/4πε0×2λ/r, पता है कि नहीं पता है? भैया नहीं पता है तो मैं यही कहूंगा कि जाकर देख लो, इसका एक ही सॉल्यूशन है। मैं वहां पे या तो आऊंगा नहीं, भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डांट के पढ़ाऊं, ठीक है, वो तो आपके गार्जियन ही करेंगे। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक। तो पढ़िए पहले, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, ये रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है भैया, रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, किसी एक समान रेखा में उपस्थित आवेश तथा उसका जो एरिया होता है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, यानी कि उसकी जो लंबाई होती है λ = Q/L, ठीक, मैंने बताया था ये आपको। तो रैखिक आवेश घनत्व 10×10^-8 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको करना क्या है, दो चीजें दी गई हैं, सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है लैम्डा, ये आपको इतना दिया गया है, दूरी आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो मैंने बताया था, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेरिवेशन मैंने कराया था, बस लगा देंगे। चलिए पहले लिखते हैं जो लिखना है, पहले रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लिख लीजिएगा आगे रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 10×10^-8 कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कुछ है नहीं इसमें भैया, देखिए अभी, अब देखिए दूरी कितनी दी गई है स्टूडेंट, दूरी तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी, तो आर हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब भैया सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, कैसे बदलोगे, 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है भैया 100 से डिवाइड कर दो इसको, 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2/100 को लिख सकते हैं 10^2, ठीक। अब 10^2 है नीचे, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस में है, तो 2×10^-2 मीटर हो जाएगा, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, अभी इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो अगर 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2×10^-2 आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक चीज और लिख सकते हैं 0.02 मीटर, दोनों सेम ही है, चाहे इस प्रकार से लिखें चाहे उस प्रकार से लिखें, तो घात वाला लिखेंगे तो आसानी रहेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो इसको मैं इरेज करता हूं और इस वैल्यू को यहां पर रखता हूं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी R = मीटर में क्या होगा, R = 2×10^-2 मीटर, ठीक है, हो गया भैया, कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए आप लोग बताइए फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, यहां पर मैं लिख देता हूं अनंत लंबाई के रेखीय आवेश
के, ठीक है। अब मैं नीचे लिख दूंगा क्योंकि इधर हमें न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करना है, ठीक है। आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या मैं e लिख देता हूं केवल, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को e से डिनोट करते हैं। आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख दीजिएगा चाहे, ठीक है, दोनों सेम ही है। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e = हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, e = हमारा होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू 2λ/r, या इस प्रकार से भी हमने निकाला था 1/2π एप्सिलॉन नॉट इनटू λ/r। अगर नीचे ऊपर दो से गुणा कर देंगे तो वो इस प्रकार से आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, यही फॉर्मूला निकाला था ना हमने, इसी पर हम वैल्यू को रख देंगे। निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो e = हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना है, एक एक स्टेप को लगाते चलिए, जो दिया है उसको लिखिए फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, हो गया काम, ठीक। 1/4π ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है कि नहीं होती है, अभी मैंने बताया। 2λ की वैल्यू कितनी है बताइए, देखिए वो देखिए 10 × 10⁻¹, ठीक, इतना है। अपान देखिए भैया की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 × 10⁻², भैया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 10⁻², भैया को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए e = देखिए ये 9 है, 9 को रहने देते हैं ऐसे ही, क्या करेंगे इसका। अब देखिए भैया इसके ऊपर 1 मान सकते हैं हम, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 9 और 1 = 10 हो जाएगा, तो इसको 10⁻₁० लिख देंगे, ठीक है, इंटू ये 10⁻⁸ है ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इंटू ये 10⁻², है ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, e = हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए कुछ है नहीं इसमें, ठीक, देखिए 9 × 10⁻², देखिए ये 10 है ये 8 है, अब 10 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा भैया, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, इंटू ये 10⁻², आप ऐसे लिख दीजिए, बस हो गया सॉल्व, e = हमारा हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट सिंपली 9 × 10⁻², 2 और 2 दोनों प्लस में है तो 2 × 2 = 4, ठीक, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, हो गया भैया, ये भी लग चुके हैं, कुछ था कुछ नहीं था, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पता है, तो आप लगा दीजिए, हमारा न्यूमेरिकल भी पता है, कुछ भी यहाँ नहीं ला पता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। पहले हमने लैम्डा की वैल्यू लिखी, आर दी गई थी, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। अब चूंकि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, तो इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने निकाला था गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, e = 1/4π ε0 × 2λ/r, वही हमने रख दिया, एटलीस्ट जो हमारा आंसर आया e = 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, बस हो गया, ठीक, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था ये न्यूमेरिकल भी, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ये आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि सब इसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो कैसे समझोगे भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, न्यूमेरिकल आपका है, ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, पहले ही पता चल गया हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, देखिए 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, मिलीग्राम, ठीक, इसको समझिएगा कि एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके, प्योर एनसीईआरटी आप जाकर देखेंगे भैया, ये क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, ठीक, मतलब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके, कुछ नहीं है, पहले जो दिया गया उसको लिखिए फिर फॉर्मूला लगाइए, बस हो गया, बस सिंपल सा, ठीक है, तो पहले हमें दिया क्या गया है, देखिए तेल की बूंद का द्रव्यमान, ठीक है, जो 0.00 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, ठीक है, तो एक तेल की बूंद का द्रव्यमान हम लोग लिखेंगे, द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं भैया m से, ठीक है, आप लिख दीजिएगा एक तेल की बूंद का द्रव्यमान, ठीक, m = हमें कितना दिया गया है, देखिए
0.001 मिलीग्राम। अब भैया एक चीज बताइए, इसको हमें किलोग्राम में बदलना है, कैसे बदलोगे? 0.001 है, ठीक है, इसको किलोग्राम में कैसे बदलोगे? देखियो, हम समझा रहे हैं उसको समझिए, ये अभी मिलीग्राम में है। अब इसको किलोग्राम में बदलना, तो पहले इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना गुणा करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे, ठीक, तब ये ग्राम में जाकर बदलेगा मिलीग्राम। अब फिर से हम 1000 से गुणा करेंगे तब ये जाकर किलोग्राम में बदलेगा। तो अगर आपको 0.001 को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 × 1000 से भाग देना होगा, यानी कि 10^6 से भाग देना होगा, तब जाकर ये आपका मिलीग्राम में बदलेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 3 अंक में दशमलव है तो इसको 10^-3 लिख सकते हैं हम, ठीक है, अपान ये है आपका 10^ कितना लिख सकते हैं? देखिए कितने जीरो हैं, 3, 3, 6, 10^6 लिख सकते हैं, ठीक। इसको मैं समझा रहा हूं, अभी किलोग्राम में बदलेंगे, मैं बारीकी से समझा रहा हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। देखिए, ये मिलीग्राम में था, इसको किलोग्राम में बदलना है तो आपको दो बार 1000 से गुणा करना होगा। 2 बार 1000 है तो इसको 10^6 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 10^-3 है भैया, जो नीचे 10^6 है ऊपर जाएगा 10^-6 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये होगा 10^-9। अब ये किलोग्राम में बदल चुका है, तो अगर आपको 0.001 को मिलीग्राम से किलोग्राम में बदलना तो 10^-9 किलोग्राम आएगा। देख लीजिए कहीं से भी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं इरेज करता हूं और लिखता हूं वैल्यू, किलोग्राम में लिख देता हूं, ठीक। तो एम की जो वैल्यू आई भैया हमारी, वो किलोग्राम में कितनी आई? 10^-9 किलोग्राम। एक चीज और समझिए, यहां पर देखिए क्या दिया गया है, तो जिस पर बूंद, जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। अब आवेश की वैल्यू क्यू इक्वल टू ई लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो यहां पर जो क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? क्यू की वैल्यू हम लेंगे 3e, 3 इलेक्ट्रॉन है भैया तो 3e ले लेंगे, ठीक है, 3e, क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3e, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, क्यू इक्वल टू, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 1 होता तो हम e लिखते, 2 होता 2 लिखते, 3 है 3e लिख देंगे। तो अब इसको हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है, 3 × 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10^-19 इतना आवेश होता है, इसको गुणा कर दीजिए, q इक्वल टू हमारा आ जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट बताइए? 3 का 1.6 से गुणा तो 16 × 3 = 48 तो ये 4.8 हो जाएगा, ठीक है, × 10^-19 कूलाम, ठीक है। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट? हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e निकालना है। कैसे निकालोगे आप ही लोग बताइए। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q, बताया था कि नहीं बताया था? जब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहा था यही होता है भैया, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है, सबको पता भी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला नहीं पता, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या पता फिर, ठीक। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए F इक्वल टू, एक चीज और होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, 9th 10th सब में पढ़ते हैं आप, F इक्वल टू होता है mg, F इक्वल टू होता है mg, m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये आप F के जगह पर रख देंगे, चूंकि यहां पर हम लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं भैया, प्रॉब्लम ना हो, चूंकि F इक्वल टू भैया होता है mg, ठीक है, होता है कि नहीं होता? होता है, इसलिए अब ये हमारी जो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला हमारा, वो कितना होगा? F के जगह E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए F के जगह पर mg रख देंगे अपान क्यों, अब हमने mg क्यों रखा भैया, हम F से भी निकाल सकते थे, तो जब हमें m दिया गया है तो हमें mg वाला फॉर्मूला लगाना होगा, वही चीज है। तो अब ये इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया, वैल्यू रखिए, हो गया वैल्यू रखिए। तो अब देखिए यहां पर E इक्वल टू हम वैल्यू रख देते हैं भैया, देखिए M की वैल्यू कितनी है हमें दिया गया है, देखिए ये 10^-9, 10^-9, ठीक है, इंटू G की वैल्यू कितनी है बताइए? G की वैल्यू होती है 9.8, जो गुरुत्वीय त्वरण था इसकी वैल्यू 9.8 होती है, अपान Q की वैल्यू कितनी है? Q हमारा है ये देखिए 4.8,
इंटू 10^-19, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज बताइए, आप लोग एक काम कीजिए भैया, इस दशमलव से देखिए 4.8 है या 9.8 है, दशमलव से दशमलव हमने कट कर दिया, ठीक, बचा क्या ऊपर 98 नीचे 48, तो 48 टू जा 96 होता है, तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2.04, ठीक है, इसको काट के देख लीजिएगा 4.98 को 48 से, तो 2.04 आपका आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। अब इस साइड में हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे भैया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, देखिए इस साइड में सॉल्व करेंगे तो हमारा E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका 2.04 ऐसे ही रहेगा, 2.04 इंटू ये 10^-9 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक, इंटू ये 10^-19 है, ऊपर जाएगा तो 10^+19 बचेगा, +19 हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का है, तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू हमारा आ गया 2.04 इंटू 10^-9 है, ये 19 है, तो 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 19 में से 9 चला जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन ये प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला जो वैल्यू है छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला 19 है, ये माइनस वाला छोटा है, तो ये प्लस में वैल्यू आएगा 10^10, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, E का न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये ठीक, कूलाम लिख दीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखिए ये हो गया हमारा आंसर, ठीक, E इक्वल टू 2.04 इंटू 10^10 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ देखने में न्यूमेरिकल लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा दम है बंदे में, लेकिन कुछ दम नहीं है, आपको उस वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, द्रव्यमान आपको दिया गया था 0.01 मिलीग्राम, हमने इसको किलोग्राम में बदला, 10^-9 किलोग्राम हो गया, आवेश हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिए गए थे, Q इक्वल टू 3 रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10^-19 होता है, तो 3 पर क्या होगा 4.8 इंटू 10^-19, फिर हमने E इक्वल टू F अपान Q वाला फॉर्मूला लगाया, F इक्वल टू mg भी होता है, F के जगह पर mg रखा अपान Q, वैल्यूज हमने रख दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई लास्ट में हमारी 2.04 इंटू 10^10 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, बस ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है। तो आज की जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, 4 न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए सॉल्व कराए, आगे के न्यूमेरिकल्स भी मैं सॉल्व कराता रहूंगा, बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।